नमस्कार साथियों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, फटाफट सभी लोग लाइव आ जाओ। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रमुख जो नेशनल पार्क हैं वो क्या क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, है ना। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही शानदार। तो एकदम बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाइए और हम लोग देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार शानदार से क्वेश्चन है, देखते हैं उन्हें, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ही पूछा जाता है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर हम सब लोग देखेंगे कि क्या है। तो चलिए भाई, बात करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन को। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है आपके स्क्रीन पर। देखिए, आपके सामने आ गया पहला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग, इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर प्यारे बच्चों। पूछ रहा है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये देख रहे हो राष्ट्रीय उद्यान में, ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, लेपर्ड है। क्या है बच्चों, लेपर्ड, ये है लेपर्ड, है एकदम बिल्कुल चीते जैसा होता है ये लेपर्ड, है ना। एकदम चीते जैसा होता है, संभवतः ये चीता क्या कहते हैं, चीता दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए किसी को पकड़ा हुआ है, दबाया हुआ है नीचे, है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है बच्चों, मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि मिजोरम में कौन स्थित है। ये पूछ रहा है कि मिजोरम में कौन स्थित है। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपके कहाँ पे है, मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मृगवाणी, तमिलनाडु नहीं में पड़ता है, ये पड़ता है तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में, तेलंगाना कहाँ पड़ता है बच्चों, तेलंगाना में ये आपका पड़ता है, ठीक। और नाटंगी राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पड़ता है नागालैंड में। कहाँ पड़ता है, नागालैंड में, नागालैंड में आपका ये पड़ता है, ठीक। और ये ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क जो है ये आपके पड़ता है कहाँ पे, ये आपके पड़ता है मिजोरम में। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, है ना, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क जो है ये आपके पड़ता है कहाँ पे, मिजोरम में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाओ यार, सभी लोग पता नहीं कहाँ पे हो यार, फटाफट सभी लोग लाइव आओ, फट से देखो क्वेश्चन शुरू हो चुका है आप लोगों के लिए। इतने शानदार शानदार क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं भैया, सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए क्या क्या क्वेश्चन है ना। हाँ चलिए, देखिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो आप मुझे बताइए कौन सा सही सुमेलित है, जल्दी से मुझे बताइए कौन सा सही सुमेलित है। देखो प्यारे बच्चे, अगर मैं यहां पे बात करूं पिन वैली का, तो पिन वैली आपका पड़ता है ये आपका हिमाचल प्रदेश में, है ना। कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में ये आपका पड़ता है, ठीक। और अगर मैं बात करूं गोविंद सागर का, तो ये आपका पड़ता है उत्तरकाशी जिले में पड़ता है ये, उत्तरकाशी, ये कहाँ पड़ता है, उत्तर काशी जिले में पड़ता है, और ये पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में ये आपको पड़ता है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं, तो प्यारे बच्चों कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है ये आपके पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है बच्चों, हरियाणा में, जस्ट इसी का उल्टा। पिन वैली कहाँ पड़ेगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है।
और इंद्रावती नेशनल पार्क जो है वो आपके पड़ेगा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ये बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो गोविंद वन्य अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये पंजाब बंगाल में नहीं है, गलत हो जाएगा। ये हरियाणा में नहीं है, भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। चले आगे, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, इंदर किला इनमें से किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसके पहले आप लोगों ने देखा था पिन वैली, है ना? पिन वैली भी कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में। और इंदर किला भी आपका कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा बच्चों। कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे? HP। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, तो इंदर कला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बहुत बेहतरीन है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये फेमस है बच्चों बाघ के लिए। किसके फेमस है? बाघ के लिए फेमस है। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? फटाफट सभी लोग बताएंगे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है मेरे लाडलो? बांधवगढ़ कहाँ पे है बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उत्तर प्रदेश में है, क्या झारखंड में है, क्या महाराष्ट्र में है, क्या मध्य प्रदेश में है? प्यारे बच्चों, बांधवगढ़ जो है वो आपके कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। प्यारे बच्चों, सभी लोग लाइव आ जाओ यार, है ना? आप सब लोग टाइम पे नहीं आते हो, है ना? टाइम पे नहीं आते हो, टाइम पे आ जाया करो क्लास करने। ठीक है बच्चों, टाइम पे आ जाया करो क्लास करने। ठीक है, देखो कितना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं नेशनल पार्क, और भारत के जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है वो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। अंकिता यादव जी कह रही हैं कि सर JNB में GK नहीं आता है। कौन कह रहा था बेटा? कौन कह रहा था अंकिता बेटा? GNB में GK नहीं आता है। JNB में भी आता है, जवाहर नवोदय में भी आता है, और CH में भी आता है ना? तो JNB में थोड़ा कम मात्रा में आता है, लेकिन CS में 20 क्वेश्चन लगभग लगभग आते हैं GK के। और रही बात यह है प्यारे बच्चों, क्या आपको केवल GNB तक ही निश्चित रहना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है? तो ये भी आगे आपको बढ़ने का एक रास्ता है। यहां से भी अगर आप पढ़ेंगे तो आगे आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये गलत चीज नहीं पढ़ा रहे हम आपको। ये इन फ्यूचर किसी भी परीक्षा में आप जाएंगे, ये आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्या है? स्टैटिक का पार्ट है, स्टैटिक का पार्ट है। और स्टैटिक का पार्ट बेटा चाहे बैंक का एग्जाम हो और चाहे SSC का एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखो बेटा, इसके नाम से ही क्लियर हो गया कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ध्यान रखें, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे बच्चों? उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, हाँ, देखिए आप लोगों की वजह से ही हमने क्लास को जो है स्टार्ट किया है प्यारे बच्चों। क्लास को हमने स्टार्ट किया है एकदम बिल्कुल आप लोगों के ही टाइम पर। पहले ये क्लास 4 बजे होती थी, फिर 5 बजे हुई, लेकिन ये क्लास जो है अब हम 7 बजे इसलिए लेके आए हैं ताकि आप लोग बिल्कुल फ्री होकर के 7 बजे से 8 बजे तक आप लोग बिल्कुल पढ़ाई किया करें, है ना? इसीलिए ये क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं प्यारे बच्चों। और ये क्लासेस आपके लिए इन फ्यूचर किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो, चाहे वो JNB एग्जाम के लिए हो, चाहे वो सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए हो। ठीक है, हर जगह ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। आगे चले, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से मुझे बताएं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, या झारखंड में है? कहाँ पे बताइए। वैसे अगर आप देखेंगे कि सबसे अधिक टाइगर रिजर्व जो बनाए गए हैं प्यारे बच्चों, वो बनाए गए हैं आपके मध्य प्रदेश में,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आर्यभट्ट बैच ये है आपके बीपीएससी बैंक, मतलब बीपीएससी के लिए है प्यारे बच्चों, बिहार पीसीएस के लिए है। अगर आपके घर में कोई तैयारी करता है तो आप उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं। इसकी फीस 3,749 रुपए से घट के 1,499 रुपए हो गई है। बहुत अच्छा बैच है, इसको ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं उसको मिलेगी, जैसे लाइव क्लास, डीपीपी वगैरह सब कुछ यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये देखिए महात्मा गांधी, यहाँ पे देखिए चारों तरफ समुद्र है और ये बीच में देखिए आइलैंड है, और इसी आइलैंड पर ही ये क्या है, ये नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क है और इसका नाम क्या है? महात्मा नेशनल पार्क, महात्मा महात्मा नेशनल पार्क इसका नाम है, या आप इसको कहें महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल पार्क आप इसको कहें। तो प्यारे बच्चों ये कहाँ पे है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कहाँ पे है, तो इसका जो सीन है वो देख के आपको कैसा लग रहा है कि ये कहाँ का हो सकता है? क्या नई दिल्ली का होगा? सर नई दिल्ली में तो समुद्र है ही नहीं। क्या असम का होगा? असम में भी समुद्र नहीं है। तो कहाँ का हो सकता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही है, यानी ये आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लाइक जरूर कर दिया करो, क्लासेस में आने पर लाइक जरूर कर दिया करो। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही शानदार है बेटा तो आप लोग लाइक कर दिया करो। ठीक है, हाँ, और क्वेश्चन में बने रहा करो, क्वेश्चन को पढ़ा करो अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये एकलौता उद्यान है बच्चों उस राज्य के अंदर। जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से मुझे बताएं। अंकिता बेटा, अगर कल क्लास होनी होगी तो अपकमिंग में आपको शाम तक मिल जाएगी, नहीं होनी होगी तो परसों होगी, है ना बेटा? हाँ, क्लासेस पर डे होती है सर की, क्लासेस साइंस की पर डे होती है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है इसका आंसर करिए। अभी जो क्लास चल रही है बेटा उससे संबंधित प्रश्न कर सकते हो आप, है ना? बाकी प्रश्न जो है वो भी आप करते रहें। हाँ, क्लास में जो क्वेश्चन चल रहा है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए मुझे बताइए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है बच्चों? तो ये है आपके बिहार में। कहाँ पे बच्चों? बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बच्चों, बिहार में। चलिए आगे बताएंगे, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत बार पूछा गया है। इसको बेरी बेरी आईएमपी कर लीजिए आप सब लोग, क्योंकि ये आपके हर परीक्षा में पूछा जाएगा। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताइए भाई, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो प्यारे बच्चों ये है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पे बच्चों? महाराष्ट्र में। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, सैंडलर पीक, इसको अगर हम पूरा नाम लिखें तो यहां पे क्या हो जाएगा? सैंडलर पीक, सैंडलर पीक, सैंडलर पीक नेशनल पार्क आपसे बोल रहा है। मैं आपको बता दूं, सैंडलर पीक जो है सबसे ऊंचा पर्वत भी है, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत भी है। और ये कहाँ पे है बच्चों? ये है अंडमान निकोबार में है। और इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं, इसकी जो हाइट है वो लगभग लगभग 1200 मीटर के आसपास है, लगभग लगभग 1200 मीटर के आसपास है। और ये सैंडलर पीक जो है आपके कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बेटा भाखड़ा जो डैम है, आपको कल सारा डैम पढ़ाएंगे, है ना अंकिता बेटा? कल की क्लास में पूरा डैम पढ़ाएंगे इंडिया का, लेकिन आपने पूछा है भाखड़ा डैम कहाँ है। तो भाखड़ा डैम जो है बच्चों, भाखड़ा डैम जो है बच्चों, ये है उत्तराखंड, सॉरी ये है आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है?
हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा डैम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, और किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है ना। और इसी से जुड़ा हुआ एक बांध और है, इसका नाम है नांगल, और वो नांगल बांध जो है वो आपके पड़ता है पंजाब में, ठीक है? हाँ, पंजाब में है। चले आगे देखते हैं, कल आपको पूरे डैम का किस्सा सुनाएंगे, कल पूरे डैम के बारे में आपको पढ़ाएंगे, कल लेक्चर जो होगा वो भारतीय डैम के ऊपर होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्थित नहीं है, तो मुझे बताइए कौन सा स्थित नहीं है। तो स्थित नहीं है, यहां पे स्थित है होना चाहिए, नहीं काट दीजिए, कौन सा स्थित है, कौन सा स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? तो बेटा कैंपबेल बे भी निश्चित है, गलाथिया भी है, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन सभी, मतलब ये सभी है ना, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज का मतलब क्या है, ये सभी आपके कहाँ हैं, अंडमान में, ठीक है। देखिए आपका नाम है दिव्यांशु यादव है ना, लेकिन आपका जो नाम लिख के आ रहा है बेटा वो अंकिता यादव ब्लॉग लिख के आ रहा है ना, यूट्यूब पे जो लिख के आ रहा है वो अंकिता यादव ब्लॉग लिख के आ रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आपका नाम आपने जो लिखा है वो लिखा है दिव्यांशु यादव, लेकिन जो है अंकिता यादव ब्लॉग के नाम से लिख के आ रहा है, ठीक है। तो कैंपबेल नेशनल पार्क, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, और महात्मा राष्ट्रीय उद्यान, ये है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो प्यारे बच्चों सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये बच्चों है उड़ीसा में, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे है, उड़ीसा में है, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है बच्चों, उड़ीसा में है। चलो आगे देखते हैं, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बात ध्यान दे बच्चों, एक चंदौली जगह और है, चंदौली में चंदौली झील की अगर मैं बात करूं है ना, तो वो आपके पड़ता है ना, चंदौली झील, एक मिनट, चंदौली डिस्ट्रिक्ट है ना, चंदौली, चंदौली जिले की अगर मैं बात करूं तो चंदौली जिला जो पड़ता है वो यूपी में है ना, वाराणसी से तोड़ करके बनाया गया है, अलग करके बनाया गया है, लेकिन ये चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों ये आपके कहाँ है, महाराष्ट्र में है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, कहाँ पे बच्चों, महाराष्ट्र में, कहाँ पे है बेटा, महाराष्ट्र में, ठीक है। हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में स्थित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जल्दी से मुझे बताइए इनमें से कौन सा राजस्थान में स्थित नहीं है, जल्दी से मुझे बताइए, कह रहे बच्चों यहां पे क्या होना चाहिए, ये नहीं शब्द हटा दो इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ये बार बार ये नहीं शब्द लगा दिया गया है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है ना। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित है, तो भैया इनमें से सभी होगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी आपका हो जाएगा सही आंसर, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान,
ये तीन के तीनों क्या है, ये राजस्थान में है ना बच्चों, ये तीनों राजस्थान में है। कहाँ है तीनों, कहाँ है, राजस्थान में। चलो आगे देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताएं। कान्हा, यहाँ पे देख सकते हैं तमाम, ये देखे पर्यटक, ये पर्यटक है, ये कान्हा बाघ के लिए फेमस है, यहाँ पे बाघ दिखा जा रहा है, और यहाँ पे पक्षी भी है, और ये बारहसिंघा और यहाँ पे हिरण। तो कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएं मुझे। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कर्नाटक में स्थित है। बेतला की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये कहाँ पे है, झारखंड में। बेतला की अगर मैं बात करूं तो कहाँ पे है, झारखंड में है बेतला, ठीक है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ये कहाँ पे है, अंडमान में। कहाँ पे बच्चों? ये है आपका झारखंड में, और ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहां पे है, अंडमान में, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में है ये आपका, ठीक है। तो कर्नाटक में कौन सा स्थित है, नागर होल। ये नागर होल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पे है, कर्नाटक में है। कहां पे है? कर्नाटक में है। इसका आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा? नागर होल कर्नाटक, नागर होल कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो खंग चेद चोदगा, खंग चेद जोंगा पार्क, ये है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये तो हमें पता है कि ये है आपका कहाँ पे, बिहार में, बिहार में, ठीक है। ये है आपका बिहार में, और ये खग ज्वाला जो है ये है आपका, ये आपका कहाँ पे है, सिक्किम में होना चाहिए। कहाँ पे बच्चों? सिक्किम में है, हाँ बिल्कुल सिक्किम में ही है, सिक्किम में ही है ना। खग चेद जोंगा, खग खग चेद जोंगा, खग चेद जोंगा है ना, ये पार्क कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है। और काजीरंगा जो है बच्चों ये कहाँ पे है, असम में है, ठीक है, यही आपका सही आंसर होगा। और ये प्रसिद्ध है किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के, एक सींग वाला गैंडा, उसके लिए ये फेमस है। आगे देखें, ये देखिए आपके सामने है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अभी देखें यहाँ पे, यहाँ पे आ गया ना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाला गैंडा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है बच्चों? असम में, ठीक है। और कर्नाटक में एक है आपका, मैंने बताया था नागर होल, नागर होल, और एक है बांदीपुरा, बांदीपुरा, बांदीपुरा नेशनल पार्क, ये है, ये भी कहां पे है, कर्नाटक में है ना। बिहार में क्या बताया था, वाल्मीकि या बाल्मीकि है इसका, है ना, बाल्मीकि, बाल्मीकि नेशनल पार्क, ये है आपका बिहार में, ठीक है, ओके। चलिए आगे देते हैं, मुदुमलाई सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है, मुदुमलाई सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है, मुदुमलाई सेंचुरी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर्स के लिए, पक्षी के लिए, हाथी के लिए, या बाइसन के लिए, बताइए। मुदुमलाई, जल्दी से मुझे बताइए,
पहली बात तो आप ये समझे कि मुदुमलाई है कहाँ। मुदुमलाई नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। पहली बात तो आप ये जान लें कि ये है कहां पे, तमिलनाडु में। ये आपके कहां पे है? तमिलनाडु पे है। और केवल तमिलनाडु में ही नहीं है बच्चों, ये जो है बाउंड्री शेयर करता है कर्नाटक के साथ और केरल के साथ, है ना, केरल के साथ। तो यहाँ पे एक कह सकते हो आप कि ये जो मुदुमलाई सेंचुरी है ये क्या है, तीन राज्यों के बीच बीच स्थित है ना, स्थित है। और इसी के पड़ोस में एक और टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है सत्यम मंगला, है ना बच्चों। ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। सत्यम मंगला भी कहाँ है बच्चों? तमिलनाडु में है। लेकिन ये मदुमलाई सेंचुरी जो है ये फेमस है किसके लिए बच्चों, जानते हो? यहाँ पे बाघ भी है लेकिन यहाँ पे फेमस ज्यादातर किस चीज के लिए है? ये हाथी के लिए। किसके लिए है? हाथी के लिए। मदुमलाई सेंचुरी जो है ये फेमस है किसके लिए बच्चों? बाघ, हाथी, है ना, बाघ, हाथी, पक्षी, यहाँ मतलब सब चीज पाए जाते हैं ना, लेकिन बेसिक तौर पर क्या है? हाथी के लिए। तो बिहार शिक्षक भर्ती में यदि आपके घर परिवार में कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में आप बता सकते हैं। इसमें आपको प्री बुकिंग के लिए 10% की छूट मिल जाएगी। आपको करना क्या है, यूज बिहार इस्तेमाल करना है और आज ही आप प्री बुकिंग करें और 10% का डिस्काउंट पाएं। ठीक है, चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला? पारंपरिक मानव जीवन के साथ साथ, ध्यान देना, मानव जीवन के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीति की स्थापना है क्या? कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर यहां पे बात किया जाए कि मानव जीवन ठीक है, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं जैव संरक्षण, ये दोनों साथ साथ तभी हो पाएंगे जब हम क्या बनाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? राष्ट्रीय उद्यान बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय उद्यान के तहत क्या होगा? जैव संरक्षण होगा। इसके तहत क्या होगा बच्चों? जैव संरक्षण होगा, है ना। तो इसके लिए क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यान। बाकी ये सभी उसके पार्ट हैं। ये ऊपर जो लिखे हुए हैं वनस्पति उद्यान, बायोस्फेयर, वन्य अभयारण्य, ये सभी इसी के पार्ट हैं। ये सभी इसी के हिस्से हैं, है ना, अलग नहीं है, ये इसी के हिस्से हैं। ठीक है बच्चों, ये इसी का क्या है? हिस्सा है, कोई अलग नहीं है, इसी का हिस्सा है। चले आगे देखें। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, बताएं बताएं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? अब देखो ये क्या है आपका? राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये क्या है आपका? राष्ट्रीय उद्यान है। और बीच में से देखो ये क्या जा रही है? नदी जा रही है। और ये क्या है? बाघ है ना, भारत का राष्ट्रीय पशु भी है बाघ। अब बच्चों एक बात मुझे बताओ, भारत में कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे पुराना भी है और जिसके बीचों बीच से होकर नदी भी बहती है? तो प्यारे बच्चों उसका नाम है जिम कार्बेट। क्या नाम है? जिम कार्बेट, है ना। ये वर्तमान समय में आपके कहाँ है? उत्तराखंड में है, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदलकर क्या किया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम अब कर दिया गया है।
तो राम गंगा नेशनल पार्क क्यों किया गया है? क्योंकि इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर के ये नदी बहती है। ठीक है बच्चों, बांदीपुरा की अगर मैं बात करूं तो ये आपके कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है बच्चों? कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये बाघ के लिए फेमस है। ये देखिए बाघ यहाँ पे दिखा जा रहा है, ये बाघ के लिए फेमस है। और इसके पहले अगर आप देखेंगे तो इसी को हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। ठीक है, चलो आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन से तीन राज्यों में फैला? ये देखिए क्वेश्चन मैं अभी बता भी रहा था और ये क्वेश्चन आ भी गया। निम्नलिखित में से कौन तीनों राज्य में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बांधवगढ़ की बात करूं तो ये केवल और केवल कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में है, और कहीं नहीं है, केवल मध्य प्रदेश में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? केरल में है। कहाँ है बच्चों? केरल में है, केरल में है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की अगर मैं बात करूं तो ये भी कहाँ है? केवल मध्य प्रदेश में है। इसका कुछ हिस्सा, इसकी नदी का हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को टच करता है, लेकिन जो अभयारण्य है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर चंबल नदी की बात करेगा तो वो तीन राज्यों में फैली हुई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तीन राज्यों में फैला हुआ अभयारण्य है वो मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य। आपको बताया है मैंने अभी भी किसका विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु में है। और विस्तार कहाँ है? कर्नाटक में है। और विस्तार कहाँ है? केरल में। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे विस्तृत फैला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए भाई, बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए। ये है बच्चों मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में। बाल फक्रम कहाँ पे है? मेघालय में। ऐसे ही आपसे देखा जाए केबुल, केबुल लाम जाओ, लाम जाओ, केबुल लाम जाओ, केबुल लाम जाओ, ये कहाँ पे है? मणिपुर में, मणिपुर में। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि एक नेशनल पार्क है उसका नाम है दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क, ये एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पे है? यूपी। और ये कहाँ पे है? लखीमपुर, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, हाँ, तो ये बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? मेघालय में स्थित है। आगे, कैंपवेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया, कैंपवेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए कहाँ पे स्थित है। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताइए, मैंने अभी भी आपको बताया था। कैंपबेल कहाँ पे है बच्चों? मैंने आपको बताया था अभी, बताइए फटाफट, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बेटा कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, यानी यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पे है? सभी लोग बताइएगा दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, जल्दी बताइए दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? प्यारे बच्चों क्या होगा इसका सही आंसर? दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है भाई? कमेंट करो आप सब लोग, बिना कमेंट किए मजा नहीं आ रहा है ना? कमेंट नहीं कर रहे हो, आनंद नहीं आ रहा है भैया। दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पे है? दाचीगाम यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है मेरे बच्चों? जम्मू कश्मीर में है दाचीगाम नेशनल पार्क। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं।
एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये क्वेश्चन अभी भी आपके सामने मैंने आया था, बताया था मैंने, आप लोग बताइए कहाँ पे भैया एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, फटाक से बताइए। अभी अभी मैंने आपको बताया था, अभी अभी मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है बताया था, अभी मैंने बताया था, बताओ भाई। तब तक पानी पी लेता हूं मैं, आप लोग बताइए आंसर इसका क्या होगा। एराविकुलम, इसका नाम कुछ एर्नाकुलम से मिलता जुलता लग रहा है ना। इसका नाम कुछ मिलता जुलता लग रहा है ना, एर्नाकुलम से। प्यारे बच्चों ये कहाँ पे, केरल में है ना, और मध्य प्रदेश में तो आपने पढ़ा है कान्हा है ना, कान्हा है, बांधवगढ़ है ना, बहुत सारे हैं, पन्ना है, पेंच है, बहुत सारे हैं, जैसे पेंच हो गया, पन्ना हो गया, कान्हा हो गया, कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, वन विहार हो गया, वन बिहार हो गया, ये सब कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान, वो क्या कहते हैं टाइगर रिजर्व। गलाथिया नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है बताइए, गलाथिया नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। असम में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या है, जैसे मानस है, औरंग है, औरंग नेशनल पार्क है, और काजीरंगा, काजीरंगा गरम पानी, गरम पानी बेटा यहाँ पे है, अभयारण्य है ना, गरम पानी अभयारण्य है असम के अंदर, ठीक है। तो गलाथिया नेशनल पार्क जो है बच्चों वो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में, गलाथिया, ठीक, गलाथिया नेशनल पार्क कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है। अगला देखें, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एक राष्ट्रीय उद्यान बताऊंगा, नागार्जुन, नागार्जुन, नागार्जुन जो है ये अब इस समय तेलंगाना में पड़ेगा आपका, ये क्या है दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है बच्चों वो है हिमिस, और वो कहां पे है, लद्दाख में, ये क्या है सबसे बड़ा, नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ना। उत्तराखंड में आपने देखा गंगोत्री है, गंगोत्री है, और इसके बाद रामगंगा है, रामगंगा है ना, ये सब कहाँ पे है, यहाँ पे है पश्चिम बंगाल में। एक आप देखें जल्दा पारा, जल्दा पारा क्या है, जल्दा पारा, जल्दा पारा नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में आप देखें तो आपका क्या आ जाता है, दुधवा नेशनल पार्क आपका आ जाता है, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क आपका आता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे आते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। हिमिस ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है बच्चों, अगर एरिया में देखेंगे ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे दूरी दूर एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक है, बहुत दूर तक फैला हुआ है ये हिमिस, ये देखो पूरा चारों तरफ पहाड़ बना हुआ है, ये पहाड़ फैले हुए हैं ये, और बीच में से देखिए नदी निकल रही है यहाँ, यहाँ ये सब पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे टूरिस्ट है, यहाँ पर्यटक। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताइए, बताओ भाई सभी लोग इसका आंसर करो क्या होगा इसका सही आंसर, सही आंसर क्या होगा इसका बच्चों।
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका फटाफट आंसर करेंगे मेरे बच्चों। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए? उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं होगा, नहीं, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तमिलनाडु, ठीक है ना। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे चलिए चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, है ना। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग टाइम पे आ जाया करो, है ना बच्चों। देखिए, आप लोगों के ही डिमांड पे हमने क्लासेस जो है वो स्टार्ट की है 7 बजे, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि सर जो है टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि खेलने का भी समय होता है आपका, शाम के 4 बजे 5 बजे आपका खेलने का समय होता है। इसलिए हमने इस टाइम को थोड़ा सा आगे लेके गए हैं, ताकि 7 बजे आप सभी लोग आ जाएं और 7 बजे यहाँ पे कुछ पढ़ लें हम लोग, है ना। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, कल आपको पढ़ाएंगे डैम के बारे में, कि भारत में नदियों के ऊपर जो बांध बने हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेके कल आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू। और प्यारे बच्चों एक बात जान लीजिए, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी पीडीएफ या नोट्स से संबंधित आपको जानकारी लेनी है, तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना बच्चों। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ से आपको सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी, और इसके लिए हम तत्पर हैं 24 घंटे 7ों दिन, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। किसके साथ? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के साथ। क्या पढ़ाएंगे? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।